नमः शिवाय हर हर महादेव। नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने सनातन सार यूट्यूब चैनल पर। कल 22 सितंबर 2023 से अगले 16 दिनों तक माता लक्ष्मी जी के व्रत शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप भी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके अपने घर की दरिद्रता दूर करना चाहते हैं, तो इन 16 दिनों में भूल कर भी ये गलतियाँ ना करें। अगर आप इन 16 दिनों में ये गलतियाँ करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होकर, आपसे नाराज होकर आपके घर से चली जाएगी और आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए इन 16 दिनों में आप विशेष ध्यान रखें, आपको ये गलतियां नहीं करनी है। फिर देखना कैसे आपके घर में बरकत होना शुरू होती है, कैसे आपके पास अपार धन आना शुरू होता है। बस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। आइए जानते हैं कौन सी है वो गलतियाँ जो बनती है दरिद्रता का कारण। पहली गलती है, घर में गंदगी रखने वालों के घर देवी लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। ऐसे लोगों के घर में हमेशा दरिद्रता छाई रहती है, आर्थिक तंगी रहती है। तो घर को साफ सुथरा बना लें, घर से जितना भी कचरा है, गंदगी है, वो बाहर निकाल कर फेंक दें। दूसरा है, कई घरों में शाम के समय झाड़ू लगाई जाती है, जबकि यह समय घर में देवी लक्ष्मी के आने का होता है। इसलिए इस वक्त शाम के समय झाड़ू ना लगाएं। इन 16 दिन विशेष ध्यान रखें, शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी है। रात को जूठे बर्तन बिना धोए सोने वालों से भी लक्ष्मी जी नाराज होती है। रात में जूठे बर्तन मांजकर ही सोएं, अन्यथा आपके घर पर लक्ष्मी जी कभी नहीं आएगी। इन 16 दिन ये विशेष ध्यान रखें, जूठे बर्तन आपको रात को नहीं छोड़ने हैं। माता लक्ष्मी के व्रत के दौरान घर में लहसुन, प्याज, मांस मछली और शराब आदि का सेवन तो भूल कर भी ना करें। अगर आपने ये गलती की तो जीवन में कभी भी पैसा नहीं होगा आपके पास, धन की देवी लक्ष्मी आपके घर में कभी भी नहीं आएगी। तो मांस मदिरा, प्याज, लहसुन इनका सेवन इन 16 दिनों तक ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा और आपके लिए लाभकारी होगा। हिंदू धर्म में पितरों के तर्पण का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि जो लोग पितरों का तर्पण नहीं करते हैं उनसे भी माता लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है, जिससे घर में दरिद्रता का वास होना शुरू होता है। तो आप भी अपने पितरों का तर्पण अवश्य करें। अगला है, आलसी लोगों की दहलीज से भी माता लक्ष्मी सदैव दूर रहती है, इसलिए इन 16 दिनों तक आलस का त्याग करें और माँ लक्ष्मी जी की साधना में लीन हो जाएं। उनका व्रत रखें, उपवास रखें, आपके जीवन में हमेशा धन की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी। देवी लक्ष्मी की दया दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आपके घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। बस आप इन 16 दिन ये गलतियाँ भूल कर भी मत करना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।